अरे अरे ठहरो, क्या बात है भाई? रानी सीरियल को बताओ, मैंने गोगा वीर को देखा है। क्या बकते हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? भला दफन हुआ आदमी भी जिंदा हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ भाई। क्या बात है द्वारपाल, क्या बहस कर रहे हो? ये आदमी कहता है इन्होंने हमारे महाराज गोगा वीर को देखा है। इसे अंदर आने दो। महारानी, ये रामा ग्वाला आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ महारानी, आज मैंने हमारे महाराज गोगा वीर को देखा है। स्वामी को देखा है? कहाँ देखा है, कहाँ देखा है मेरे स्वामी को? मुझे वहाँ लेकर चलो, मुझे जल्दी वहाँ लेकर चलो। क्षमा करें महारानी, आज तो मैं उनके दर्शन नहीं करा सकता, कल ही उनके दर्शन हो पाएंगे। ठीक है, अब तुम जाओ और ये लो तुम्हारा इनाम।
जाहर, अब वो समय आ गया है। कैसा समय गुरुदेव? अब तुम अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव।
तेरा करूं मैं इंतजार तेरा करूं मैं इंतजार आजा कब से खड़ा हूं तेरी राह में तेरा करूं मैं इंतजार तेरा करूं मैं इंतजार राजा कब से खड़ा हूं तेरी राह में तेरा करूं मैं क्या देख रही हो स्वामी स्वामी अब मुझे कभी अपने आप से जुदा मत करना तुम चिंता ना करो मैं तुम्हें ही लेने आया हूं अब सदा तुम्हें अपने पास रखूंगा गोगा गोगा भाई ठहरो हमें भी साथ ले चलो भाई हमसे क्या भूल हो गई भाई जो आप हमें साथ नहीं ले गए हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ करना पर अब हम भी तुम्हारे पास आ रहे हैं नरसिंह भाई आत्महत्या करना पाप है इसलिए हम तीनों एक दूसरे की गर्दन उतार लेते हैं तुम ठीक कहते हो भाई लो भाई गोगा का नाम ठहरो नरसिंह रतन भज्जू मैं तुम्हें नहीं भूला हूं अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है मेरे साथ चलने में अभी तुम्हें समय लगेगा थोड़ा और इंतजार करो मैं तुम्हें जल्द ही बुलाऊंगा
प्यारे भक्तों, इधर गोगा जी गुरु गोरखनाथ की आज्ञा लेकर राजकुमारी सीरियल को अपनी कुटी में ले जाते हैं और दोनों ही ध्यान मग्न होकर भगवान शिव का जाप करने लगते हैं। उधर उज्जैन नगर में गोरख के शिष्य भर्तरी के छोटे भाई विक्रमादित्य पर हुणों का संकट आन पड़ता है। हुणों के राजा मिहिरकुल का सेनापति तोरमान अपनी छापामार टुकड़ी को लेकर उज्जैन की पहाड़ियों में आ छिपा है और मौका पाकर उज्जैन के गांवों पर हमला करता है। बड़ी दरिंदगी के साथ बच्चों और नारियों पर जुल्म करता है। महामहिम तोरमान जिंदाबाद। कहो गुप्तचर। आपके छापामारी युद्ध ने विक्रमादित्य की नींद हराम कर दी है। जैन की प्रजा भयभीत है। अब आप चाहे तो महाराज मिहिरकुल को आक्रमण करने की सलाह दे सकते हैं। तोरमान महाराज को थाली में परोसी हुई जीत देगा। अभी मेरी तलवार और खून मांग रही है। विक्रमादित्य का सिर उतार कर महाराज को पेश करूंगा। महामहिम, अगर गुस्ताखी माफ करें तो एक बात कहना चाहता हूं। कहो। महामहिम, अगर देर हुई तो विक्रमादित्य अपने आस पड़ोस के राजाओं से मदद मांग सकता है। मूर्ख है तू, मूर्ख। इस हिंदुस्तान की धरती पर जितने सूरमा पैदा होते हैं उतने ही गद्दार भी पैदा होते हैं। यहाँ का हर राजा एक दूसरे से जलता है। वे विक्रमादित्य को मदद का वास्ता तो दे सकते पर मदद नहीं कर सकते। तोरमान दूरदर्शी है। गुप्तचर, मुझे समझाने या सलाह देने का प्रयत्न दोबारा किया तो तुम्हारा सिर जमीन पर होगा। माफ करे महामहिम, मैं तो आपका वफादार नुमाइंदा हूँ। गुप्तचर, मुझे विक्रमादित्य की कमजोरी और ताकत दोनों के बारे में बताओ। विक्रमादित्य की कमजोरी तो मालूम नहीं पर उसकी ताकत के बारे में अवश्य ज्ञात हुआ है। कैसी ताकत? महामहिम, उसके पास 32 कठपुतलियों का सिंहासन है। विक्रमादित्य उसी सिंहासन पर विराजमान रहता है। ये 32 पुतलियां 32 परियों के समान है जो विक्रमादित्य की हर पल मदद करती है। 32 अप्सराएं? अरे ओ हिसाबी, जरा हिसाब लगाकर तो बताओ कि एक माह में कितने दिन होते हैं? सरकार 31 दिन होते हैं एक माह में। 31 दिन और 32 अप्सराएं। एक का क्या करूंगा रे, उसे तो मैं अपने पास रखूंगा और बाकी 31 को महाराज को भेंट कर दूंगा। महामहिम, ये हमारे इलाके में घूम रहा था। इसके तौर तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई गुप्तचर है। मुझे छोड़ दो, मैं कोई गुप्तचर नहीं हूँ। मैं तो गवाला हूँ, मेरी गाय गुम हो गई, उसे तलाश कर रहा था। मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं सच बोल रहा हूँ। छोड़ दो इसे, ये सच बोल रहा है। कहाँ रहते हो? उधर पहाड़ी के पार हमारा गांव है। पहाड़ी के पार गांव है और हमारी नजर में अभी तक नहीं आया। तुम जा सकते हो पर दौड़ कर, अगर तुम रुके तो तुम्हारी मौत तुम्हें आ दबोचेगी। जाओ। हिसाबी, गांव पर हमला करने की तैयारी करो।
एक भी इंसान नहीं बचना चाहिए। गांव को इस तरह से उजाड़ना जैसे तूफान उजाड़ता है। विक्रमादित्य को भी पता चले तोरमान एक तूफान की तरह उसे तबाह करने आ रहा है। राजन, हूणों ने छापामारी युद्ध जारी करते हुए हमारे राज्य के बहुत से गांवों को मिटा दिया है। सेनापति, क्या हमारी सेना शक्तिहीन है? हमारे योद्धा कमजोर हैं? नहीं राजन, हमारी सेना शूरवीरों से भरी पड़ी है। तो अभी तक उनका जवाब क्यों नहीं दिया गया? राजन, हूण सेनापति तोरमान बड़ा कुटिल है। वो आमने सामने का युद्ध न करके छापामार युद्ध करता है। हमारी सेना के पहुंचते ही वो अपने सैनिकों समेत पहाड़ों की कंदराओं में छिप जाता है और छुप छुप के धोखे से हमला करता है, और हमारे काफी सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। कमजोर इंसान ही घात लगाकर वार करते हैं, बहादुर को छिपने की आवश्यकता नहीं होती। सेनापति, सेना को तैयार करो, हम स्वयं तोरमान को दंड देंगे। क्षमा चाहता हूँ महाराज, तोरमान यही तो चाहता है। गुप्तचरों ने पता लगाया है राजा मिहिरकुल तोरमान के पीछे पीछे सेना लेकर चल रहा है। हमारी सेना को छापामार युद्ध नहीं आता, इसलिए महाराज नीति यही कहती है कुटिल को कूटनीति से मारा जाए। मंत्री जी, आपने ठीक कहा। आप सेना को तैयार रहने का आदेश दें, हम कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे। इस मामले में क्यों न कठपुतलियों की मदद ली जाए? राजन प्रणाम। कहो, 21वीं कठपुतली को किस लिए याद किया? कठपुतली, तुम दूरदर्शी हो। उन्होंने हमारी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए हैं, उन्हें कैसे दंडित किया जा सकता है? मुझे कोई उपाय बताओ। राजन, आपके बड़े भाई भर्तृहरि के गुरु गोरखनाथ जी आपकी मदद करेंगे, उनसे मदद मांगिए। गुरु गोरखनाथ जी, वो तो रमते योगी हैं, न जाने वो कहां होंगे। कठपुतली, अब तुम ही गुरु गोरखनाथ के पास जाओ। राजन, आपने ये बात कहकर तो मुझे धन्य कर दिया। मैं तो खुद उनके दर्शनों की अभिलाषी थी। अगर आपको और भी कुछ कहना है तो बताओ। जारी कठपुतली जारी, विपदा पड़ी से भारी, जाके कहिए गुरु गोरखनाथ ने। जारी कठपुतली जारी, विपदा पड़ी से भारी, जाके कहिए गुरु गोरखनाथ ने। पहला प्रणाम मेरा कहिए, कहना भर्तृहरि के भाई ने आशीर्वाद तेरा चाहिए। ओ, कहिए उनको जाके चाहिए गुरुजी दया तिहारी। जारी कठपुतली जारी, विपदा पड़ी से भारी, जाके कहिए गुरु गो
गोरखनाथ ने। जारी कठपुतली जारी विपदा पड़ी से भारी, जाके कहिए गुरु गोरखनाथ ने। शामी खतरा देख रहा, पहली बार तने कठपुतली परदेसा में भेज रहा। ओ, दुश्मन की मर हिंद पे हमला करने की से तैयारी। जारी कठपुतली जारी विपदा पड़ी से भारी, जाके कहिए गुरु गोरखनाथ ने। जारी कठपुतली जारी विपदा पड़ी से भारी, जाके कहिए गुरु गोरखनाथ ने। लुका छिपी का खेल खेल के दुश्मन हिंद में पड़ गया से, धोखा धड़ी ते गांव उजाड़ के पाड़ा के मां चढ़ गया से। ओ, ढूंढ ढूंढ के मारे दो इनने, भेज दे इसे शिकारी। जारी कठपुतली जारी विपदा पड़ी से भारी, जाके कहिए गुरु गोरखनाथ ने। जारी कठपुतली जारी विपदा पड़ी से भारी, जाके कहिए गुरु गोरखनाथ ने। कठपुतली जारी विपदा पड़ी से भारी, जाके कहिए गुरु गोरखनाथ ने। जारी कठपुतली जारी विपदा पड़ी से भारी, जाके कहिए गुरु गोरखनाथ ने। ठहरो कठपुतली। जी राजन। कठपुतली, न जाने बार बार मेरा अंतर्मन क्यों घबरा रहा है। शायद मैं तुम्हें पहली बार बाहर भेज रहा हूँ, इसलिए कोई अनिष्ट न हो जाए, मेरा मन घबरा रहा है। राजन, मैं आपकी मंशा समझ रही हूँ। लीजिए राजन, लीजिए ये दर्पण लीजिए। ये जादुई दर्पण है, इसमें जब चाहे आप मुझे देख सकते हैं। आप निश्चिंत रहें राजन और मुझे जाने की आज्ञा दें। कठपुतली, अब मैं निश्चिंत हूँ, अब आप जाएं। प्रणाम राजन। पहाड़ों की गुफाओं के बीच एक तांत्रिक
ठहाका लगाकर हंस रहा था। ये तांत्रिक नौरंग शाह बादशाह का बड़ा भाई भांबी शाह था। भैरो 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 मेरे आका, आज अपने अपने गुलाम पर नेमत बख्शी। इस घड़ी का मुझे बरसों से इंतजार था, वो आने वाली है। अब चारों तरफ भांबी का पहर बरसूगा। गुरुदेव, आपको इतना खुश तो पहले कभी नहीं देखा, कोई खास बात है क्या? भैरो 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 भांबी आज इतना खुश है, जी चाहता है खुशी खुशी में तेरी भेंट भैरों के चरणों में चढ़ा दूं। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं तो आपका गुलाम हूँ, मुझ पर रहम करे। अरे मूरख, भांबी शाह अपने गुलाम पर हमेशा रहम करता है। देख अपनी आंखों के ढक्कन खोल कर देख। भैरो भैरो भैरो, देख कुछ दिखाई दिया बुड़बुक? गुरुदेव, एक कमसिंह नाजनीन बालों हवा में उड़ रही है। भैरो भैरो भैरो, अरे ये कोई साधारण बानो नहीं है। ये बात तो ठीक है, कोई साधारण नारी तो हवा में नहीं उड़ सकती, ये जरूर कोई परी है। ये उज्जैन नगर के राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की 21वीं कठपुतली है। तोरमान के भय से भयभीत विक्रमादित्य ने इसे उस पाखंडी गोरखनाथ से मदद मांगने के लिए भेजा है। और इस कठपुतली को हम पकड़ लेंगे और विक्रमादित्य को मदद नहीं मिलेगी, उसे तोरमान मार डालेगा। भैरो 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 बुड़बुक, तेरी खोपड़ी तो चलती है पर सिर्फ एक चौथाई। भांबी की खोपड़ी तो चारों दिशाओं में एक साथ चलती है। इस कठपुतली को हम कैद कर लेंगे, इस बात की खबर उस गोरखनाथ को जरूर लगेगी, तब वो इसे छुड़ाने के लिए अपने चेले गोगा को जरूर भेजेगा। और उसी दिन का मुझे इंतजार है बुड़बुक, अपने भाई नौरंग शाह की प्रजा का बदला लूंगा उस गोगा से। मैंने अपने भाई को वचन दिया था, जिसने उनका अपमान किया उस गोगा का सिर काट कर लाऊंगा, तभी अपना मुंह दिखाऊंगा। भैरो 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 बुड़बुक, देख भांबी की ताकत, उलूल जमाल कमाल कर परी तो ला पकड़ कर आमीन जमीन जमीन। भांबी शाह को सलाम कर। मुझे कैद करके तुमने अच्छा नहीं किया, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। भैरो भैरो भैरो, तुम एक कमसिन नाजनीन बानो हो और भांबी मेरे करीब ना आना, वरना जला के राख कर दूंगी। भैरो भैरो भैरो, भांबी चाहे तो तेरे अंग अंग को शरबत बनाकर पी सकता है बानो, पर अभी तेरे हुस्न को तड़पा लूं, फिर तुझे बताऊंगा भांबी किस बला का नाम है। भांबी
मेरे आकार राजा विक्रमादित्य को भी पता चल जाएगा और योगी गुरु गोरखनाथ को भी। फिर तुम्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। भैरो भैरो भैरो, नादान हो तुम नादान। पुकारों ने जिन्हें तुम अपना रक्षक मान रही हो, अगर 7 दिन में तुम्हें छुड़ा ले गए तो ठीक, वरना 8वें दिन तुम्हारे साथ। भैरो भैरो भैरो, देखता हूँ तेरे कोका को, अब तू यही पड़ी रहना। भैरो भैरो भैरो। पर्वतों की गहरी गुफा में मेरा बने सा
मेरे साथ।